आ जाइए हमारे पास ओल्ड i20 जो हम लोग इसमें इंस्टॉलेशन करने वाले हैं हम लोग पूरा विदाउट वायरिंग कटिंग इंस्टॉलेशन करने वाले हैं इसमें करने वाले 9 इंच एंड्रॉइड और ए एच डी कैमरा हेलो गाइस मैं हूं सुमेर सिंह एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जो दोस्तों आज हमारे पास है ये ओल्ड आई ट्वेंटी तो आप ये देख सकते हैं इसमें आपको ये वाला जो है इंफोटेनमेंट uh, सिस्टम इसमें आपको जो है कंपनी फिटेड है तो यहाँ पे इसका जो है छोटा सा डिस्प्ले रहता है तो ये वाला जो डिस्प्ले डैमेज है तो इसमें हम लोग लगाने वाले हैं नाइन इंच एंड्रॉइड लगाने वाले हैं इसके अंदर और इसके अंदर ये वाला पूरा फ्रेम भी हम लोग जो है पूरा रिमूव करके पूरा चेंज करके हम लोग जो है नाइन इंच एंड्रॉयड फ्रेम हम लोग लगाएंगे और ये आप देख सकते हैं इसमें जो है स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल भी दिया हुआ है ओल्ड आई ट्वेंटी में तो ये वाला भी हम लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको भी हम लोग जो है स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल भी हम लोग जो है हमारा जो है नाइन इंच एंड्रॉइड के अंदर हम लोग जो है कनेक्शन कनेक्ट करने वाले हैं इसके अंदर और इसमें हम करेंगे पूरा विदाउट वायरिंग कटिंग हम लोग करने वाले हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। ये है और ये वाला जो आफ्टर मार्केट ये वाला जो नाइन इंच एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम का जो फ्रेम है ये वाला भी सिल्वर कलर का रहता है वो ये वाले जो एसी विंटे और ये वाला जो ए सी स्विचेस है इसमें हम लोग जो है रिमूव करके इसमें हम लोग जो है नाइन इंच एंड्रॉइड में हम लोग जो लगाने वाले हैं और ये जो है ये ये जो सारे स्विचेस हैं इसके अंदर हम लोग जो है जो नाइन इंच एंड्रॉइड के फ्रेम में लगाने वाले हैं और जो इसमें हम लोग लगाने वाले हैं नाइन इंच एंड्रॉइड तो ये है हमारा ब्लॉक बास्टर फास्टेस्ट और ये आप देख सकते हैं इसमें आपको फाइव जी हॉट सपोर्ट करता है ये और ये रहता है हमारा क्यू एलई डिस्प्ले और इसमें आपको ए कैमरा सपोर्ट रहता है ये जो इसमें हम लोग जो है लगाने वाले हैं और ये रहता है हमारा आ, वन ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी रहता है और जो ये वाला हम लोग जो है रिमूव करके आ, ये वाला जो ओरिजिनल वाला इन्फोटेनमेंट सिस्टम है तो इसमें दिक्कत है ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा तो ये वाला हम लोग जो है इन्फोटेनमेंट सिस्टम हम लोग लगाने वाले हैं तो ये आप देख सकते हैं ये वाला जो पूरा सेटअप हम लोग जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग जो है डैमेज करके नहीं खोलने वाले हैं क्योंकि इसका जो ओल्ड जो ये वाली जो ओल्ड जो आई ट्वेंटी है इसका फ्रेम जो है काफ़ी हार्ड हो चुका है फाइबर तो इसको हम लोग जो है बिल्कुल सही तरीके से खोलेंगे और ये है हमारा ए एच डी ब्लॉक का ये कैमरा और ये टेन एटी पे रहता है ये आप देख सकते हैं और इसमें आपको ये आप ये देख पा रहे होंगे इसमें आपको 120 ट्वेंटी वाइड एंगल सुपर वाइड एंगल इसमें आपको देखने को मिलता है आप पे देख सकते हैं 120 ट्वेंटी वाइड एंगल सुपर वाइड एंगल रहता है और ये वाटर प्रूफ और ये जो सौ ये रहता है ये आपका ये जो कैमरा तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें भी आपको एक साल की वारंटी रहती है और ये वाला जो फ्रेम जो रिमूव करने के लिए हम लोग जो है फाइबर का टूल्स यूज़ करेंगे ताकि डैशबोर्ड पर कोई स्क्रैचेस नहीं आए तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस टाइप का ये वाला जो फाइबर टूल्स रहता है तो इसके इससे हम लोग जो है इसका जो है ओरिजिनल वाला फ्रेम हम लोग जो है रिमूव करेंगे तो ये आप देख पा इस टाइप से से बिल्कुल आसानी से इसका जो है फ्रेम जो है रिमूव हो जाता है तो पे देख सकते हैं इसमें जो है एक कपलर ये है और एक कपलर ये है और यहाँ पे जो है ये वाले जो एसी वाले जो स्विचेस हैं इनके यहाँ पे कपलर दिए हुए रहते हैं तो ये वाला जो है ओरिजिनल वाला जो फ्रेम है हमने बिल्कुल सावधानी से निकाल लिया बगैर तोड़ फोड़ करें ये आप देख सकते हैं ये वाले जो स्विचेस हैं एसी वाले और ये एसी सी विंट और ये जो हैज़ार्ट और ट्रिपर ये हम लोग जो खोल के हमारे जो है नैनीचे एंड्रॉयड को फ्रेम में लगाएंगे और बाकी जो एनफोटेमेंट सिस्टम की बात करें तो ये आपके यहाँ पर जो है चार स्क्रू पे कसे हुए रहते हैं ये आप देख पा रहे होंगे जो इसको हम लोग जो है बिल्कुल चारों स्क्रू खोल के बिल्कुल इसको हम लोग जो है बिल्कुल सावधानी से खोल लेंगे और ये बिल्कुल वर्किंग में नहीं है तो ये वाला हम लोगों ने इसको जो है हटा दिया यहाँ से तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये काफ़ी हेवी रहता तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे और इसकी जो वायरिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है इसकी वायरिंग की हुई है जो हमारा जो ये वाला जो आफ्टर मार्केट जो हम लोग जो एंड्रॉइड लगा रहे हैं तो ये वाले जो सॉकेट रहता है ये वाला जो रेड कलर का सॉकेट है ये आपका स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल का सॉकेट है और ये वाला जो ब्लैक वाला है ये आपका जो पावर और स्पीकर का सॉकेट है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा जो ये आपका स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल का भी और ये पावर और स्पीकर के भी ये हमारे जो हमने सॉकेट लगा दिए तो यहाँ पे देख सकते हैं 5g जी सपोर्ट है और ये क्यू एल डिस्प्ले और इसमें आपको ए एच कैमरा सपोर्ट रहता है बाकी आप देख देख सकते हैं और इसमें आपको वन ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी रहती है और ये इसकी जो डिस्प्ले की बात करें तो इसका डिस्प्ले रहता है क्यू डिस्प्ले रहता है और इसकी जो टच रिस्पॉन्स की बात करें तो काफ़ी शानदार रहता है और फर्स्ट इसमें आपको यूज़र मैनुअल गाइडलाइन मिलती है और जैसे हम खोलते हैं तो यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड देखने को मिलता है तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें आपको टोल फ्री नंबर भी रहता है और ये इसमें आपको सीरियल नंबर भी रहते हैं इस पर तो ये है हमारी मेन यूनिट है ये आप पे देख पा रहे होंगे इसमें आपको क्यू एल ई डी डिस्प्ले रहता है और इसमें आपके ये वाले जो वॉल्यूम माइनस प्लस बैक का होम का और ऑन ऑफ का और म्यूट और रीसेट का इसमें आपको जो है बेजल देखने को मिलते हैं तो ये है हमारा ब्लॉक बास्टर का तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी आपको ये वाला जो वारंटी कार्ड पे जो सीरियल नंबर रहता है वही का वही इसकी जो है बॉडी पे भी इसका आपको जो है सीरियल नंबर देखने को मिल जाता है और इसमें आपको जो ऑल ओवर इंडिया सर्विस भी मिल जाती है और सेटअप फाइव केबल्स की बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है तो फर्स्ट आप देख सकते हैं इसमें आपको दो यू केबल देखने को मिलती है तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे और इसमें आपको जीपीएस एंटीना ये वाला एंटीना रहता है हमारा जो गूगल मैप चलाने के लिए रहता है और ये आपको रिवर्स का रिवर्स व्यू का कैमरा के ये केबल है ये और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाली जो रिवर्स कैमरा जो करते हैं ये उसकी केबल रहती है तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे और इसकी जो बात करें तो इसमें दो वायर रहती है वो आपकी ब्लूटूथ और आपकी जो वाईफाई की जो एंटीना का काम करती है तो ये आप ये देख सकते हैं ये वाली जो केबल में आप जो है फ्रंट कैमरा और इसमें आप जो है बेस्ट्यूब भी इसमें आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं तो इतनी इतनी सारी एक्सेसरीज आती है और ये आप देख सकते हैं इसमें हमने जो इसका जो है कनेक्शन कर दिया है ये बार हमारा जो है ब्लॉक का जो सिस्टम भी ऑन हो रहा है और ये जो ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है ये वाला ब्लॉक का ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो हमारा ये वाला जो है ऑन हो रहा है ये पे देख सकते हैं एंड्रॉयड स्टार्टिंग बता रहा है और ये हमारा ऑन हो चुका है नाइन इंच एंड्रॉयड तो आप ये देख सकते हैं ब्लॉकबस्टर का जो इंटरफेस आपको इस टाइप से देखने को मिलता है और आप ये देख पा रहे होंगे इसका इसका जो टच रिस्पॉन्स है काफ़ी शानदार है और इसकी जो वीडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आप जो है टू के वीडियो इसमें आप जो है प्ले कर सकते हैं ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी शानदार वीडियो क्वालिटी है इसकी ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे और काफ़ी शानदार रहता है और क्यू एल डिस्प्ले रहता है इसमें आपको वन ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी मिल जाती है ऑल ओवर इंडिया में इसकी जो है सर्विस अवेलेबल हो जाती है और बाकी आप देख सकते हैं ये सारे स्विचेस हमने खोल लिए इसमें यहाँ पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला ट्रिपर वेजार्ट और, और ये है हमारा नाइन इंच एंड्रॉइड फ्रेम है जो इसमें हम लोग लगाने वाले हैं जो इसके अंदर हम लोग जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिटमेंट कर देंगे तो बाक़ी आप देख सकते हैं इसमें हमने जो है ए सी विंट और ये वाले जो ए सी स्विच है इसमें हमने जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसका जो है फिटमेंट कर दिया है तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफ़ी शानदार तरीके से इसका जो है फ्रेम में जो है बिल्कुल प्रॉपर वाइज तरीके से इसका जो है फिटमेंट हो जाता है और ये यहाँ पे देख सकते हैं हेजार्ट ट्रिपर काफ़ी शानदार बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करते हैं इसमें और आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कभी आपने कोई आफ्टर मार्केट काम करवाया हुआ है फ्रेम की क्वालिटी भी काफ़ी शानदार रहती है और ये फ्रेम है आपका जो ओरिजिनल जो गाड़ी के साथ आता है तो ये हमारा नाइन इंच एंड्रॉइड जो है इसमें जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिटमेंट हो चुका है और आप ये देख पा होंगे आपको गेप कहीं से कहीं तक किस इसमें आपको जो है गेप देखने को नहीं मिलेगा और ये आप और आप ये देख सकते हैं इसका जो है इसमें आपको प्ले स्टोर गूगल मैप यूट्यूब क्रोम ब्राउज़र इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है और इस वर इसकी जो कैमरा क्वालिटी बात करें तो आप ये देख सकते हैं वन ट्वेंटी वाइट एंगल सुपर वाइट एंगल है ये तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जैसे कभी आपको ये यहाँ पे आपको अभी जो अभी जो लाइनिंग नहीं आ रही है तो लाइनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लोग कार सेटिंग में जाएंगे और कार सेटिंग में जाके लाइनिंग को हम लोग ऑन कर देंगे तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने बैक गेट डाला तो यहाँ पर आपको गाइडलाइन आ जाती है रेड येलो और ग्रीन तो इस टाइप से आ जाती है तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिटिंग आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार तरीके से इसका जो है फिटमेंट हमारे पास हो जाता है हमारे पास हर गाड़ी का ओल्ड गाड़ी का हमारे पास जो है फ्रेम अवेलेबल हो जाता है जैसे कभी कभी आपको भी करवाना हो तो ये हमारे कॉन्टेक्ट